बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए वोट मांगे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बिहार में डबल इंजन सरकार के विकास की बात चुनाव में करने की जगह हमारी बातें करते हैं, मानो जैसे उनके सपने में ओवैसी ही दिखाई पड़ते हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बिहार आए और उन्होंने यह नहीं बता पाए कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार ने जनता का क्या विकास किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां आकर ओवैसी का नाम लेकर कहा कि वे पाकिस्तान के हित में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के लोगों से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में आते हैं और यहाँ पर आकर भी उनको ओवैसी ख्वाब में क्यों दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान की बात करते हैं, जबकि उन्होंने अपने ख्वाब में भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। ओवैसी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सही फैसला लिया कि हम मोहम्मद जिन्ना के टू नेशन सिद्धांत को नहीं माना। उन्होंने कहा कि भारत को वो अपना वतन मानते हैं और अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मतदान करने की आज़ादी बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए जनता को उनके गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तबादिल क्या है, इसका विकल्प क्या है, इसका मुतबादिल और विकल्प जनाब कुशवाहा साहब है, आप इनको कामयाब और यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइए। तीसरी बात यह है कि हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार को आए और बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो ये नहीं बता पाए कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का क्या विकास किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया और कहा कि वो पाकिस्तान के हित में बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार को आता है और यहाँ पर आकर भी उसको असदुद्दीन ओवैसी ख्वाब में क्यों दिखाई देते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है और बिहार को आकर बिहार की जनता के सामने पाकिस्तान की बात करते हैं। हमने कभी पाकिस्तान को अपने ख्वाब में भी हम नहीं सोचते पाकिस्तान को। हमारे बुजुर्गों ने जब वो जिंदा थे तो उन्होंने एक बड़ा सही फैसला लिया और वो फैसला ये था कि हम मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। ये भारत की सरजमीन हमारी सरजमीन है, इसीलिए हमने उसको अपना वतन माना और हम सुबह क़यामत तक यहाँ पर रहेंगे, बाइज्जत शहरी बनकर रहेंगे, अपने अपने कल्चर पर, अपने मज़हब पर और अपने पसंद के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि बाबा साहेब अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है। मैं बीजेपी के लोगों को जो बार बार असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो यहाँ पर आपका बेनीपुर का ये विधानसभा है, ये दरभंगा के पार्लियामेंट की सीट का भी हिस्सा है। यहाँ पर किसी ज़माने में जनाब कीर्ति आज़ाद साहब यहाँ के खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ दरभंगा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।